उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्का नहीं बने, आदर के योग्य समझे, और जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है वह भाव का होकर श्रद्धा और सोच विचार करके एवं संवेग से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा पुरुष और स्त्री का प्रेम के एक साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति और एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल से परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से ये प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। शिवांश और रेखा इस समय उन्हें विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए। आप एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझ कर एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। आप दोनों परमेश्वर सर्वोत्तम वस्त्रों के दाता हम आपसे प्रार्थना करते हैं और कृपा लक्षित कीजिए और जो अपने विवाहित जीवन के लिए आपकी आशीष चाहते हैं। हे प्रभु, जब भी आपकी उपस्थिति में प्रतिज्ञा हो तो जो उन्होंने स्वीकार करते हैं तब उन्हें अपनी प्रेम देखभाल का आश्वासन दीजिए, उनके आपसी प्रेम को गहरा बनाए और उन्हें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि जीवन भर एक दूसरे के प्रति वफादार बने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम। Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not angry easily, it keeps no reward of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices in truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always preserves. Love never fails, for where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, they will pass. Thank you. May God bless you all. Patri. ये पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का दहन करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने पति के अधीन है। ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और पवित्र और निर्दोष किसी प्रकार, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा पर उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष। अपने दोनों बच्चों को शिवास और रेहा को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें और आप दोनों परिवारों को भी प्रभु आशीषित करें। पवित्र बाइबल में से जो हिस्सा पढ़ा गया है प्रभु के दास संत पौलुस इस वचन को लिखते हैं, जो पहला वार्ता कोरिन्थी इग्लिसिया को लिखा गया और दूसरा इफिसियंस को लिखा गया, और दोनों में जो खास है वो हमारे जो फैमिली लाइफ है उसके विषय में जो प्रभु के दास संत पौलुस है उस पर जोर देते हैं और समझाते हैं
दिन कैसा होना चाहिए और क्या उसकी अलग अलग क्वालिटीज है उसके विषय में लिखा, और दूसरे में स्पेशली हस्बैंड वाइफ पति और पत्नी के विषय में लिखा कि उनका जो पारिवारिक जीवन है जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए, और उस प्रेम को जो हमारा दुनियावी प्रेम है और प्रेम जो इंसान का और उस परमेश्वर का भी मैरिज की बात करते हैं तो बाइबल में पढ़ते हैं तो जेनेसिस में शुरू में जब परमेश्वर ने जोड़े को बनाया और हम देखते हैं पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 एंड 2 वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने दोनों को बनाया और लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा एडम की उन्हें बनाया और अपनी शक्ल से अपनी इमेज पर उनको बनाया अपने जैसा बनाया और उन्हें जोड़ा और उनको आशीष दिया। सो ये पहली शादी थी जो परमेश्वर पिता के द्वारा जोड़ी गई और उनको आशीष किया और वही जो कंडीशन थी किसी को अपने आज जब हम परमेश्वर के घर में हैं चर्च में हैं स्पेशली इनको बच्चों को ब्लेस करने के लिए इनके लिए प्रेम करने के लिए तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें इसके जो हुक्म है जो आज्ञा है उन्हें पूरा करना है और ऐसा करने से हमारे जो आने वाली जिंदगी है वो बहुत अच्छी गुजरेगी, हमारे जो पारिवारिक जो संबंध है फैमिली में जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। जरूरी है जो वाइफ से उनके लिए लिखा है पॉलस लिखते हैं से पॉलस ने कि आपको लव योर वाइफ एज योरसेल्फ जैसे हम अपने से प्रेम करते हैं अपने जैसा प्रेम करते हैं। सो रिस्पेक्ट एंड लव इज्जत और प्रेम ये दोनों जब हमारे परिवार में है तो हमारा परिवार बहुत अच्छे से चलेगा और उसके हम पर यही सिखाते हैं। हम अपने जैसा प्रेम की बात करते हैं तो अगर हम बीमार होते हैं तो हम बेटी का इमीडिएटली हम रिएक्शन करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेते हैं अच्छा अच्छी डाइट लेते हैं कि हम जल्द से जल्द हम ठीक हो जाए। तो ये इसी तरह से जो हस्बैंड है अपनी वाइफ की भी केयर करे इसी तरह से देखते हैं और वाइफ देखते हैं कि जैसे हम उस ईश्वर की इज्जत करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं जब हम परमेश्वर का घर देखते हैं झुकते हैं अपने आप को झुकाते हैं उस ईश्वर के सामने तो इसी तरह से हमें अपने हस्बैंड की अपने पति की भी इज्जत करनी। तो ये खास जो आज्ञा है पॉलस यहाँ पर हमें सिखाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों रेना और श्रीमान ये दोनों अपनी जिंदगी में आज की ये खास जो टीचिंग है लव एंड रिस्पेक्ट ये साथ लेकर चले ताकि आपकी जो आगे आज के बाद एक नए फैमिली के रूप में परिवार के रूप में अपनी जिंदगी को जोड़ते हैं तो दिस विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू आल्सो एंड योर समय परमेश्वर के सामने पति और पत्नी होने के नाते दूसरे को वचन देने के लिए तैयार है कि आप दोनों तैयार है कि आपकी प्रतिज्ञा के जन स्वरूप के दूसरे का रहना बात तय करें तैयार है तो मैं पूछने शिवास कि आप रेहा को अपने विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करें कि आप शिवांश को अपना विधिवत विवाहित पति मानती है करेंगे और इसका आदर करेंगे
और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसके प्रति वफादार पति बने रहेंगे, रेखा क्या आप श्रीवास को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती है? क्या आपको परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगी, इससे प्रेम करेंगी और इसका आदर करेंगी? और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे इसके प्रति वफादार पति बनी रहेगी? आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और इन बच्चों के लिए जो दोनों से बच्चे बनाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष से ये बच्चियां शिवांश और रेखा के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बने, और जो प्रतिज्ञा और वचन इन्होंने आज एक दूसरे को दिए हैं उनका स्मरण करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम। विवाह के लिए अपनी सहमति पर बदली है, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कौन भी व्यक्ति अलग खड़ा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे अति दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के प्रत्येक परिवार को नाम देते हैं। हम आपके नाम से शिवास और रेखा को आशीर्वाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि दोनों को अपनी आशीष से भरपूर कीजिए।
ये निष्ठापूर्ण एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हुए अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहे और सदा प्रेम और शांति एक साथ रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और आपके मार्गदर्शन प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा आप पर करे, जिससे आप दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन पाओ। लास्ट में सॉन्ग गाएंगे सॉन्ग नंबर 20। Thank you.
सीट के देख ना, स्माइल सामने देख के सर, वेट करना हाँ सर मारा साइड। वेट करना, आ जाओ आ जाओ। Smile. Wait. Sorry, sorry. Oh, sir. Sorry.